Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to Sarthi Education. MPPSC, SSC, Vyapam, UPSC, इन सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट. ये मेरा मई 2019 डेली करंट अफेयर का कोर्स, जिसके अंदर हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं. इस लेक्चर में हम बात करेंगे 21st एंड 22nd ऑफ मई 2019 के करंट अफेयर के बारे में. उसके पहले आप मेरा ये जो स्लाइड्स हैं, ये आप जाके मेरी वेबसाइट yoursivilsarthi.com से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. आप जो स्लाइड डाउनलोड करेंगे तभी आपको मेरी सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं वो उस पीडीएफ के अंदर वहां पर रहेगी. तो आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडियाज के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन सब के ऊपर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं. साथ ही मैं अन अकेडमी के ऊपर प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर एमबीपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, और एमबीपीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए आप मेरा कोड योर सिविल सारथी इस कोड का उपयोग कर सकते हैं. इस कोड का उपयोग करेंगे तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट. 10% डिस्काउंट जो है आपको प्लस कोर्सेज के ऊपर इंस्टेंट मिल जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे. उसके बाद आप मेरा अगर कोड यूज करते हैं तो यू हैव टू इन्फॉर्म मी कि मैं आपका कोड यूज किया है, देन मैं आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहां पर और प्रोवाइड करूंगा. दैट इज यू विल गेट द 20% टोटल डिस्काउंट ऑन दैट. ये जो डिस्काउंट है वो जीएसटी के पहले जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा. ओके, सो यू विल गेट 20% डिस्काउंट अगर आप मेरा कोड योर सिविल सारथी का उपयोग जो है वो करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 21st एंड 22nd ऑफ मई 2019 का करंट अफेयर. पहली खबर की यहाँ पर बात करें तो इंडोनेशिया के अंदर इलेक्शन हुए और वहां पे जोको विडोडो ही इलेक्टेड अगेन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडोनेशिया. वापस इलेक्ट यहाँ पर हो जाते हैं. उनके जो राइवल थे प्रबोवो सुबियांतो, उन जो एक रिटायर्ड जनरल थे, उनको उन्होंने एक लार्ज मार्जिन से यहाँ पे डिफीट किया. कहाँ है इंडोनेशिया? दिस इज द इंडोनेशिया. इंडिया के थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिस इज द थाईलैंड, मलेशिया एंड हियर इज द इंडोनेशिया. एक आइलैंड है, इट्स कॉल्ड द आर्किपेलागो या द्वीप समूह है. ठीक है, तो अलग अलग इंडोनेशिया, जकार्ता, ये आपका यहाँ पर मेन इंडोनेशिया आइलैंड है. दिस इज द जकार्ता, इट्स अ मैदान. ये पूरा आइलैंड जो है सुमात्रा आइलैंड सब मिला के इंडोनेशिया बनता है. ठीक है, तो फिर से ये प्रेसिडेंट वहाँ के अपॉइंट हो गए हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा पड़ोसी है और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अगले न्यूज की बात करें तो इटालियन ओपन जो है उसका फाइनल रिजल्ट अभी यहाँ पर आ गया है. इटालियन ओपन के अंदर वुमन सिंगल के अंदर चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की जोनाना कैन पोंटा को जो है फाइनल के अंदर डिफीट किया. जबकि मेन सिंगल के अंदर अगर हम बात करें तो राफेल नाडाल जो है स्पेन के, इन्होंने नोवान जोकोविच जो सर्बिया के हैं उनको उन्होंने डिफीट किया. वैसे जो चार आपके ग्रैंड स्लैम है वही एग्जाम के अंदर आते हैं, लेकिन दूसरा जो आपका बैंक या फिर एसएससी का एग्जाम है जहां पर बहुत ही रिसेंट करंट पूछा जाता है, तो वहां पर जो है इटालियन ओपन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, सो बात करते हैं अगली खबर की. तो 8th इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेशन आपका पेट्रोल जो है वो यहाँ पे बिगिन हो गया है. पेट्रोल एक तरह से एक एक्सरसाइज है. इट्स कॉल्ड IMCOR इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, आपका पेट्रोल जो 20 से लेके 28 मई 2019 तक इसका आयोजन किया जाएगा. तो इसके अंदर दोनों देशों की जो आर्मीज हैं वो यहाँ पर आएंगी और दोनों जो है वो अपने अपने युद्धपोत लेके यहाँ पर एक्सरसाइज करेगी. ये IMCOR का जो है 8वां एडिशन है भारत और म्यांमार के बीच में. ओके, सो बेसिकली इसका मेन पर्पज यहाँ पर ये है कि भारत और म्यांमार की जो समुद्री सीमा है उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं. जैसे अगर हम बात करें कि वहाँ पे टेररिज्म के इश्यूज हैं, कई सारे टेररिस्ट वहाँ से अपनी शिप्स वगैरह ले जाते हैं या कुछ स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं. ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे बड़ा इशू है. पोचिंग है, जो एनिमल्स वगैरह हैं या बर्ड्स वगैरह हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पर उनकी तस्करी की जाती है. इलीगल फिशिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इस तरह की कई गतिविधियां इन बॉर्डर्स के ऊपर होती हैं और उसको रोकने के लिए दोनों जो नेवीज हैं वो मिलकर यहाँ पे संयुक्त पेट्रोलिंग यहाँ पे करती है, ताकि इस तरह की कोई भी अगर गतिविधि हो तो उसके ऊपर संयुक्त रूप से लगाम लगाई जा सके. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोनों देश के बीच में. अगली खबर की बात करें तो महाराष्ट्र के गवर्नर जो है उन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस मेडिकल एडमिशन रिजर्वेशन के लिए महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे पास कर दिया है. तो बेसिकली अगर आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जो वहाँ की गवर्नमेंट है, देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट, उन्होंने वहाँ पर जो मराठा लोग रहते हैं उनको 18% रिजर्वेशन, 18% रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर दिया था. लेकिन उसके बाद कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने जाके जो नागपुर का जो हाईकोर्ट है, वहाँ जो वहाँ का बेंच है, उसने उसके ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया था. बेसिकली
अभी वहाँ पे जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ हुआ, और अभी कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि अभी मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जो यूजी और पीजी कोर्सेज हैं उनके लिए जो है 18% रिजर्वेशन काम में नहीं है, 16% रिजर्वेशन सॉरी, वो वहाँ पर काम में नहीं आएगा, उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिमिट है 50% का, इंदिरा साहनी केस का, एक्चुअली नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, 50% केस से ऊपर जो है वहाँ पर वो जाता है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। तो उसके बाद एक रास्ता बचता है कि वो उस ऑर्डर को, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके चैलेंज करे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर फिर भी नहीं मानता तो उसके बाद कानून बनाया जा सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने भी यहाँ पे पास नहीं किया, तो वो एक उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक अलग से सॉरी ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश जो है वहाँ के गवर्नर ने जारी किया, जिसके अंदर कोर्ट के आदेश को पलटने की कोशिश की गई। उसके बाद अभी जो आपके यूजी और पीजी के अंदर जो एसईबीसी होता है हमारे, जिसको हम बोलते हैं ओबीसी, तो वहाँ पे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं महाराष्ट्र में एसईबीसी, हमारे यहाँ पे ओबीसी बोलते हैं, तो उनके लिए जो है अलग से 16% रिजर्वेशन जो है मराठास के लिए वो यहाँ पर देने का जो ऑर्डर है वो इसके द्वारा यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस जो है वो आर्टिकल 213 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंतर्गत यहाँ पे गवर्नर को पावर है कि वो अपने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के ऊपर कोई, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकता है। साथ ही राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस वहाँ पे इशू कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का पावर अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अगली खबर की बात करें तो 20 मई 20th of May सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। खैर आपको इतना याद नहीं रखना तो भी चलेगा, लेकिन इसके पीछे का थोड़ा सा हिस्ट्री आप जान लोगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो करंट अफेयर या जीके के अंदर काम आ जाएगा। तो 20 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, और उसका रीजन यहाँ पर ये है कि इट्स अ बर्थडे ऑफ द एंटोन जांसा। एंटोन जांसा व्यक्ति हैं जिन्होंने जो बी कीपिंग है या मधुमक्खी पालन जो है उसका जो मॉडर्न तरीका है उसको स्टार्ट किया है। कहें कि मधुमक्खी पालन जो है विश्व के अंदर सबके पहले जो है मॉडर्न तरीके से एंटोन चांसा ने ही शुरू किया था। इस बार का जो थीम है वो रखा गया सेव द बी, की मधुमक्खी को बचाना, ये इस बार का थीम जो है वो यहाँ पे एंड रखा गया है। ओके, तो 20 मई को बेसिकली 2017 के अंदर जो स्लोवेनिया है जहाँ पे आपके एंटोन चांसा जहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके सामने प्रस्ताव रखा कि उनके बर्थडे को वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाया जाए। उसके बाद यूएनजीए ने उसको एक्सेप्ट किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद इस दिन को इसके रूप में मनाया जाता है। तो जो एंटोन जंसा है ये 18th सेंचुरी की बी कीपर थे, उसके पायोनियर थे, और उन्होंने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आपके बी कीपिंग की उसको वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था कि किस तरह से मधुमक्खी का पालन किया जा सकता है, किस तरह से उनका शहद निकाला जाएगा, बाकी उसका वैक्स निकाला जाएगा, ये सब टेक्निक उन्होंने वहाँ पे इन्वेंट किया था। अगली खबर की बात करें तो 21st of May मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे, आतंकवाद विरोधी दिवस। ये दिवस मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1991 के अंदर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जो है उनका पेरम्बदूर के अंदर जब एक जनसभा को संबोधित करने गए थे नियर तमिलनाडु, तो वहां पर एक टेररिस्ट के अटैक के अंदर उनका जो है वो उनकी मृत्यु हो गई थी, और LTTE के जो आतंकवादी थे उन्होंने उन लोगों की, महात्मा जो राजीव गांधी है उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद से जो इस दिन को यहाँ पे एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है, इस दिन सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह के अंदर एंटी टेररिज्म प्लेज या फिर आतंकवाद विरोधी जो शपथ है वो ली जाती है कि हम ना आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे ना उसके लिए कोई फंड करेंगे, तो ये शपथ इस तरह से हर साल जो है आज के दिन ली जाती है। ओके, सो राजीव गांधी जो है 84 से 89 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, और कहा जाता है कि भारत के अंदर जो आईटी रिवॉल्यूशन है या सूचना प्रौद्योगिकी को जो है वो लाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ऐसा क्लेम किया जाता है कि वो लेके आए थे। अगली खबर की बात करें यहाँ पे तो रिलायंस जो है उसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को यहाँ पे बीट करते हुए भारत की सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे बन गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अभी तक भारत के अंदर OIC जो है जो एक गवर्नमेंट कंपनी है वो सबसे बड़ा कंपनी था, एंड अभी नया जो रिकॉर्ड अभी नया जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग जो है मुकेश अंबानी लेड सॉरी हाँ मुकेश अंबानी लेड जो कंपनी है उसका टोटल जो टर्नओवर है वो है 6.23 लाख करोड़ रुपीस, जबकि इस पिछले साल के अंदर जो OIOC है उसका जो टर्नओवर है वो 6.17 लाख करोड़ रुपीस रह गया। तो सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस बन गई है। अगली खबर की बात करें तो 2019 के लोकसभा के जो इलेक्शन है वो 19th of May को इलेक्शन जो है वो काउंटिंग वहां पर कंप्लीट हुआ, और 7 चरणों के अंदर पूरे चुनाव हुए,
और वैसे रिजल्ट भी आ चुका है, उसके बारे में एक अलग से लेक्चर मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो इस बार एक नया इतिहास रचा गया कि टोटल जो वोटिंग टर्नआउट है वो अब तक सभी लोकसभा इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा रहा। वैसे पिछली बार जो है जब 2014 के अंदर इलेक्शन हुए थे तो वो सबसे ज्यादा था, लेकिन अभी उससे ज्यादा भी अभी यहाँ पर जो इलेक्शन के अंदर जो वोटिंग है वो भारत के अंदर यहाँ पे हुई है। लास्ट ईयर जो है 66.644% जो है वोटिंग हुई थी, सबसे ज्यादा थी, लेकिन 2019 के अंदर 67.10% वोटिंग हुई है जो अब तक की सबसे ज्यादा है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो गोल्डन कार्ड पीआर स्कीम जो है वो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट द्वारा लॉन्च कर दी गई है। ये गोल्डन कार्ड जो है बेसिकली वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मुख्तोम, जो वहाँ के रूलर भी हैं, वहाँ के प्रिंस भी हैं और मतलब वहाँ के प्रमुख शासक भी और प्रधानमंत्री भी हैं, तो उन्होंने ये वीज़ा स्कीम वहाँ पे लॉन्च की है। उसका मेन जो पर्पस है कि वहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, निवेशक हैं या एक्सेप्शनल जो टैलेंट है जैसे आपके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट वगैरह, उनको वहाँ पे असाधारण प्रतिभाओं वाले लोगों को वहाँ पर अपने देश के अंदर बुलाना है और वहाँ पर उनको जॉब्स प्रोवाइड करना है। अभी इस तरीके से 6800 जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे 70 कंट्रीज है उनको यहाँ पे वीज़ा देने की बात की गई कि अगर वो लोग यहाँ पे 100 बिलियन दिरहम मतलब टोटल इतना इन्वेस्टमेंट अगर वो लोग मिलकर करते हैं तो उनको यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस को जो है स्थायी निवास का उनको यहाँ पे वीज़ा यहाँ पे दे दिया जाएगा, एक तरीके से उनको वहाँ के स्थायी निवासी मान लिया जाएगा। तो यूएई बहुत बड़ा कंट्री मतलब बहुत ही रिच कंट्री है और यहाँ पर रहना जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले भी हमने न्यूज़ में कवर किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी यहाँ पे अमेरिका के अंदर नया वीज़ा पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट उन्होंने लॉन्च किया था। अगली खबर की बात करें तो जापान का सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जो है वो भारत के डिप्लोमेट श्याम शरण जी को यहाँ पे दिया गया है और ही वॉज द फॉर्मर जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो जापान के अंदर भारत के एक तरीके से जो राजदूत हैं, एम्बेसडर वहाँ पे रहे थे। जो अवार्ड मिला है उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, इस सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है जापान का। ये इमेज के अंदर आपको दिख रहा है कुछ इस तरह का इमेज, इस तरह का जो अवार्ड है, इस तरह का अवार्ड यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इनके टाइम पे जो है वो भारत और जापान के जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़े थे। 2004 से 2006 तक ये वहाँ पे एम्बेसडर के रूप में उन्होंने वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में वहाँ पे काम किया था, तो उनको श्याम शरण को अवार्ड यहाँ पे दिया गया। ही इज द श्याम शरण, इनका इमेज आप देख रहे हैं। ओके, ये अवार्ड जो है वो 1875 के अंदर जो मीजी वहाँ पे एम्परर थे उन्होंने इसको स्थापित किया था। मीजी रिस्टोरेशन जिसको हम बोलते हैं वो एक तरीके से जापान के अंदर एक नया सूत्रपात हुआ था, एक नया मॉडर्नाइजेशन जापान के अंदर मेजी रिस्टोरेशन मेजी राजा के समय पे हुआ था। ओके, अगली खबर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो है उसने अपने जो अवार्ड्स है वो यहाँ पे घोषित किए हैं। उसके लिए उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनका अवार्ड है चेंसी चिटेटे जो एक व्यक्ति थे उनको हाईएस्ट पीस कीपिंग अवार्ड जो यहाँ पे दिया गया है। तो चेंसी चिटेटे जो है वो रवांडा के अंदर जब 1994 के अंदर जब जेनोसाइड हुआ तो उस जेनोसाइड के अंदर काफ़ी लोगों को उन्होंने वहाँ पे बचाया था, उसके लिए अवार्ड उनको यहाँ पे दिया गया है। इस अवार्ड का दूसरा नाम जो है वो कैप्टन मेबे डियंगे अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल करेज के लिए कैप्टन मेबे डियंगे अवार्ड जो है वहाँ पे दिया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग फोर्स है उसका सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है उसको यहाँ पे बिलोंग करते हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं और उनके नाम पर ये अवार्ड जो है वहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये अवार्ड की अगर हम बात करें तो जो कैप्टन मेबे डियंगे है ये बेसिकली आपके जो रवांडा के अंदर एक इवेंट हुआ था उस इवेंट के अंदर जाकर उन्होंने 1994 के अंदर जेनोसाइड जो है उसको रोकने की कोशिश की थी, काफ़ी लोगों को वहां पर उन्होंने बचाया था, उसलिए उनके नाम से अवार्ड घोषित किया गया है। जबकि जो चेंसी चिटेटे है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर जो है यहाँ पे अपना एक मिशन के अंदर गए थे और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। ना मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया तो सॉरी फॉर दैट, है ना, अब शायद क्लियर हो गया होगा। अगली खबर की बात करें तो आरबीआई जो है उसने अपना एक स्पेशलिस्ट सुपरवाइजर एंड रेगुलेटरी कैडर अलग से अपना एस्टैब्लिश किया है। ये जो कैडर है ये बेसिकली आरबीआई के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो है आपका जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो कंपनीज हैं उन कंपनीज के एनबीएफसी जो है कंपनीज उनकी देखरेख के लिए यहाँ पर ये अलग से बनाया गया है। तो पिछले कुछ समय से देखते हैं काफ़ी सारी कंपनीज जो है एनबीएफसी उन्होंने डिफॉल्ट किया था। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब जो कंपनीज ऐसी जो बैंकिंग का काम नहीं करती है लेकिन फाइनेंस वगैरह के दूसरे काम करती हैं, तो ऐसी कंपनीज जो हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से ये स्पेशल कार्ड है जो एस्टैब्लिश किया गया है। आरबीआई की जो एनुअल मीटिंग हुई थी उस एनुअल मीटिंग के अंदर यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया। तो इसका पूरा काम जो है जो आपके
एनबीएफसीज हैं, जैसे आपका आपने नाम सुना होगा श्रीराम फाइनेंस या फिर ऐसे कई कई तरह की कंपनियां हैं, मुथूट फाइनेंस, इन सब के लिए यहाँ पे एनबीएफसी एक स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ये सब इनका मैनेजमेंट वगैरह जो है पूरा उसका यहाँ पे ध्यान रखेगा। अगली खबर की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे उन्होंने ओंगोल कोटल जो कैटल ब्रीड है उसके संरक्षण के लिए यहाँ पर लोगों से आह्वान किया है। बेसिकली वो केरला के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर गए थे और वहां पर उन्होंने ये आह्वान लोगों से किया। ओंगोल जो कैटल ब्रीड है सबसे एक इम्पॉर्टेंट कैटल ब्रीड है, जो ये जो काऊ का जो ब्रीड है ये वहाँ पे दूध के लिए या फिर खेती के लिए जो है काफी ज्यादा अच्छा होता है और उसका उपयोग जो है पूरे साउथ इंडिया के अंदर वहाँ पे किया जाता है। तो बेसिकली नेशनल जो कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर है इन द नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट नेल्लोर के अंदर, तो वहाँ पर ये उन्होंने इससे संबंधित उनको बोला कि नेशनल जो कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर है उनको कि वो लोग जो है इसके ब्रीडिंग के से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको और इम्प्रूव करें और उससे रिलेटेड जो रिसर्च है वो रिसर्च को और वहाँ पर डेवलप करें। ओके, सो ओंगोल जो आपका कैटल ब्रीड है अभी बेसिकली ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर जो पूरा आपका एरिया है मूजी रिवर के आसपास का पूरा एरिया, इस पूरे एरिया के अंदर ये जो ओंगोल ब्रीड है वो ओंगोल ब्रीड पाया जाता है और अभी एग्रीकल्चर वगैरह के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो है नेल्लोर कैटल के नाम से भी इसको इस एरिया के अंदर यहाँ पे जाना जाता है। अगली खबर की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI जो है उसका 10th एनुअल समिट, 10वां उसका जो वार्षिक स्थापना दिवस जो है वो CCI द्वारा यहाँ पर उसको सेलिब्रेट किया गया ऑन द 20th of May 2019 को। तो आज से 10 साल पहले जो है इसके एस्टैब्लिशमेंट जो है 2019 के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट CCI का किया गया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भारत के अंदर जो कंपनीज हैं या फिर जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर है उनके अंदर जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को हेल्दी कंपटीशन बनाने के लिए यहाँ पे काम करती है। इसका जो है कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 जो था उसके द्वारा ये बॉडी बनाई गई थी और उसके बाद पहले 2009 के अंदर जो CCI है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। इसके पहले जो MRTP एक्ट था उसको रिप्लेस करके कंपटीशन कमीशन एक्ट जो है वो उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी लेकिन जो बॉडी है वो 2009 के अंदर जाके तैयार हुई थी। ठीक है, इसके अंदर जो है 6 मेंबर्स होते हैं एंड इट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसको अपॉइंट किया जाता है। मतलब जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर एक कमेटी बैठती है वो कमेटी जो है यहाँ पर इसके 6 सदस्यों को और अध्यक्ष की यहाँ पर नियुक्ति करती है। अगली खबर की बात करें तो UN डैग हेमलोस्की मेडल अवार्ड जो है वो अवार्ड यहाँ पर UN के द्वारा हमारे भारत के जो लेट जितेंद्र कुमार हैं, जितेंद्र कुमार को यहाँ पर जो अवार्ड है वो अवार्ड यहाँ पर इसके अंदर दिया गया। तो उसके अलावा 119 दूसरे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी यहाँ पर या फिर जो आम सिटीजन है उनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया। जितेंद्र कुमार जो है वो इंडियन पुलिस जो सर्विस है IPS जो है उसको बिलोंग करते थे और वहाँ पर उनको UN की तरफ से वहाँ पे वो एक इवेंट के अंदर मतलब एक प्रोग्राम के अंदर एक जो पीस कीपिंग फोर्स है उसके अंदर लड़ने गए थे, वहाँ पर उनको उनकी डेथ हो गई थी और वहाँ पर उनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो इसरो जो है उसने अपना RESET-2B सैटेलाइट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। तो RESET सीरीज के बारे में पहले भी हम बात कर चुके थे, RESET-1, RESET-2 एंड देन RESET-2B। तो 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक हुए थे उसके बाद हमको जरूरत था कि अभी जल्दी जल्दी हम RESET जो सैटेलाइट है उसको यहाँ पे लॉन्च करें। तो 2009 में लॉन्च किया गया था एंड देन अभी जो है वो RESET-2B जो है वो PSLV-C64 जो है उसके द्वारा जो हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। मेन जो इसका काम है मिलिट्री और जो दूसरे जनरल सर्विलेंस के प्रोग्राम्स हैं उनको वहाँ पर देखरेख करना, अभी हमारे देश के बॉर्डर्स की रक्षा करना कि कोई इन्फिल्ट्रेशन वगैरह बॉर्डर के अंदर हो रहा है उसको सैटेलाइट से द्वारा जो वहाँ पर मेजर करने का काम, उसके नेविगेशन पूरा हो गया सब कुछ चेक करने का काम यहाँ पे आपके RESET का होता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट इन सब के अंदर भी काफ़ी सपोर्ट जो है वो इसके द्वारा यहाँ पे RESET-2B के द्वारा दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है और अभी ये डे और नाइट दोनों के अंदर जो है वो या फिर क्लाउडी कंडीशन हो उसके अंदर भी यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर डेटा प्रोवाइड हम लोगों को करता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। बेसिकली जो 2B है वो जाके RESET-2 की जगह लेगी और जो RESET-1 है वो RESET-2 की जगह रिप्लेस हो जाएगा। मतलब RESET-1 जो है वो रिटायर हो जाएगा और 2B जो है वो 2 की जगह लेगी और 2 जो है वो 1 की जगह लेगा। समझ गए ना आप क्या कहना चाहता हूँ, 1 रिटायर हो जाएगा और फिर 2 ही सैटेलाइट आपके बचेंगे, RESET-2 और RESET-2B। तो दो सैटेलाइट बचेगी हमारे, 2 जो RESET-1 है उसको फिर हमने बाद में 2012 के अंदर
लॉन्च किया था। ओके, अगली खबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपके जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को पूरे दुनिया के अंदर यहाँ पे मनाया जाता है। इसका मेन यहाँ पे पर्पस है जो बायोडाइवर्सिटी जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को यहाँ पे हैंडल करना और इन इश्यूज के द्वारा जो भी प्रॉब्लम है उसको हैंडल करना यहाँ पर इसका मेन इश्यू होता है। तो पूरे विश्व के अंदर इससे संबंधित जो कार्यक्रम है जैव विविधता के यहाँ पे मनाए जाते हैं। ओके, सो इस बार का जो टाइटल है वो है अवर डाइवर्सिटी अवर फूड अवर हेल्थ। पहला बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो डे है वो 29th of December 1993 को मनाया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया इन द 2000 के अंदर 2000 के अंदर कि 22 मई को जो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाएगा। सो इस लेक्चर के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और अनअकैडमी में मेरे कोर्सेज के लिए मेरा कोड जो है योर सिविल सारथी, उसका जो उपयोग है वो करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसी के साथ में आपको जो 20% जो डिस्काउंट है वो 20% डिस्काउंट आपको उसके अंदर वहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।